क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसने टाइटैनिक की कहानी नहीं सुनी हो? आई गेस नो। हर कोई जानता है इतनी बड़ी एक जहाज समुद्र में डूब जाने के पीछे आखिर कारण क्या था, लेकिन इस डूबती हुई जहाज के कुछ सर्वाइवर्स का कहना कुछ और ही था। उनमें से कई का मानना ये था कि टाइटैनिक डूब जाने के पीछे हिमखंड से कोई लेना देना नहीं था, यानी टाइटैनिक एक चट्टान से टकरा कर नहीं बल्कि कोई दूसरी कारण की वजह से डूब गया था। अगर टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराने की वजह से नहीं डूबी तो आखिर असली कारण क्या था, ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो का अंत तक। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। 1912 में 25 साल का अमेरिकी प्रचारक वैगिना बूरेट ने वर्णन किया था कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जहाज पर उनकी अमेरिका की यात्रा के समय आखिर क्या हुआ था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक कब साउथ एंटन डॉक से निकला था? दैट वॉज April 10, 1912। अब कहानी पर वापस आते हैं और जानते हैं कि वैगिना का आखिर क्या बताना चाहता था। 1912 में वैगिना अपने पिताजी के साथ मिलकर कुछ किताबें प्रकाशित की, जिसमें एक अमेरिकन राइटर ने भी उनकी मदद की थी। वैगिना को उन किताबों को अमेरिका ले जाना था। उनके कुछ शारीरिक समस्या की वजह से उन्हें पहले वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट में मना कर दिया गया था, लेकिन अपने पिताजी के जान पहचान की वजह से उन्हें आखिरकार यूएसए जाने के लिए कागजात मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने तुरंत ओरिएंट एक्सप्रेस पकड़ा और इस्तांबुल से सीधा लाहौर आ गया और वो पहुंच गए साउथ एम्पटन डॉक पर, जहां से उनकी टाइटैनिक में यात्रा शुरू हुई। वैगिना टाइटैनिक की यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। केबिन नंबर 804 में उनके साथ और 3 यात्रियों की मुलाकात हुई। उनमें से 2 थे अंग्रेज और 1 एल्सस से आई एक फ्रेंच व्यक्ति जिसका नाम था मोरेन। वैगिना को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंच आता था, इसलिए जल्द ही उन दोनों की दोस्ती हो गई और वो जहाज के लाइब्रेरी, होटल या डेक पर एक साथ जाने लगे। जहाज में कोई नहीं जानता था कि एक दिन के अंदर उनके साथ आखिर क्या होने वाला था। वो अन्य रातों की तरह ही 14 अप्रैल को देर से सोने गए। आधी रात के तुरंत बाद ही कुछ ऐसा जो एक बड़े विस्फोट की तरह लग रहा था, उसने सभी को नींद से जगा दिया। एक जोरदार धक्के ने एक अंग्रेज को अपने बंक से नीचे गिरा दिया और उनमें से एक ने अपना हाथ घायल कर लिया। 2 अनजान यात्रियों की मदद से वो किसी तरह उस केबिन से निकल पाए। वैगिना बस अपना पासपोर्ट और उसकी कुछ पैसे ही अपने साथ लेकर आ पाए थे। केबिन से बाहर आने के बाद पता चला कि उन्होंने $54 ले आ पाए थे। इस पूरे घटना से ये तो साफ हो चुका था कि कुछ तो गलत हो चुका है इस पूरे जहाज पे। यात्रियों में से एक जवान पता लगाने की कोशिश किया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन एक भी क्रू मेंबर अपनी तरफ से कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ मिनट बाद ही इस बात से इनकार करना असंभव हो चुका था कि टाइटैनिक असल में धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा था। वैगिना ने यह नोटिस किया कि नाविकों ने धीरे धीरे लाइफ बोट उतारना शुरू कर दिया था और उसमें सिर्फ महिला और बच्चे ही जा पा रहे थे। कुछ आदमी उसमें कूद जा रहा था, लेकिन बंदूक की गोली उन्हें इससे रोक दिया। वैगिना और मोरेन समझ गए थे कि उनके पास अब 2 ही उपाय है, या तो इस डूबते हुए जहाज में बैठकर अपना जान गंवा दे या जहाज से सीधा पानी में कूद कर कम से कम अपना जान बचाने की कोशिश करे। क्योंकि ये दोनों ही अच्छी तरह तैरना जानते थे, इसलिए उन्होंने पानी में छलांग लगाने की फैसला ले ली। मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ यही फैसला लेता। मोरेन ने किसी तरह 2 लाइफ जैकेट का बंदोबस्त किया और दोनों मिलकर पानी में कूद पड़े। टाइटैनिक का एक तरफ तब तक पानी में डूब चुका था। उन दोनों के पानी में आने के कुछ ही सेकंड के अंदर ही अचानक एक बड़े लहर से वो दोनों अलग हो गए। एक दोस्त के साथ इतना साहसी कदम उठाना एक अलग बात है, लेकिन इसे अकेले करना बहुत ही ज्यादा डरावना बन जाता है। उस रात नॉर्थ अटलांटिक में पानी लगभग जमने के करीब था। 28 डिग्री फ़ारेनहाइट या -2 डिग्री सेल्सियस पर किसी का भी हाथ पैर जमने लगता है, जो टाइटैनिक मूवी में जैक के साथ भी हुआ था। उसी तरह वैगिना का हाथ पैर भी जमने लगा और वो कमजोर होने लगे। उन्होंने अपना लाइफ जैकेट भी खो बैठा। इस समय उनकी बचने की एकमात्र आशा एक लाइफ बोट थी और उनकी किस्मत भी देखो, तभी अचानक वो एक लाइफ बोट से टकराए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप हर कहानी में हैप्पी एंडिंग की प्रतीक्षा करते हैं? देन सॉरी, मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। नाव में इतनी भीड़ थी कि उन्होंने नाव से चिपक रहने की कोशिश करने पर उनको नाव की यात्रियों ने पैदल से धक्का दे दिया। उसने मदद के लिए भीख मांगी, लेकिन उन्होंने दया दिखाने से इनकार कर दिया। यात्रियों का मानना ये था कि ज्यादा लोगों के वजन से वो नाव कभी भी डूब सकता है, इसलिए आखिर वैगिना को वो नाव छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। एक दूसरे जहाज पे सवार होकर वैगिना का आँख खुला। उस जहाज का नाम था कार्पेथिया और ये जहाज न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी अपने साथ कुछ लकी सर्वाइवर्स को लेकर। उस समय वैगिना के सर में बहुत दर्द था, लेकिन एक बात बार बार सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो उस परिस्थिति से बच निकला। अगले शाम वो जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा। वैगिना को अस्पताल ले जाया गया। 12 दिन बाद एक औरत उसके कमरे में आई
और रोती हुई बताई, ओ माई डियर सन, वैगीनक को रक्षा करने वाले और कोई नहीं बल्कि अपनी खुद की अम्मी मिस एस्टर थी। उस रात लाइफ बोट पर बाकी यात्रियों के साथ उसकी माँ भी थी और उन्होंने बाकी यात्रियों से कहा कि ये लड़का उसका बेटा है और वो उसके बिना नाव को जाने नहीं देगी क्योंकि उसने पहले ही टाइटैनिक पर अपने पति को खो दिया है। लाइफ बोट पर वो अपने बेटे का पैसा और पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। उसे अपना सामान लौटा कर उससे कहा कि जब वो बेहतर महसूस करे तो वो जरूर उससे मिलने जाए। वैगीनक की तबीयत ठीक होने पर वो अपने पूरे परिवार से मिल गए और यहाँ तक कि उन्हें वो सारी पुस्तकें भी मिली जिन्हें उन्होंने अमेरिका में बेचने की योजना बनाई थी क्योंकि वो पुस्तकें एक अलग जहाज पर आ रहा था। वैगीनक ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया और एक महान कथाकार के रूप में वो अपने साथ जो हुआ उसे कई बार सजदा किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है, उसने कभी भी टाइटैनिक से टकराते हुए किसी हिमखंड का जिक्र नहीं किया और हमेशा एक विस्फोट के बारे में बताया। सिर्फ वैगीनक ही नहीं बल्कि और भी कई यात्रियों का यही मानना है। उनका कहना ये था कि जहाज के पतवार में कोयला जल रहा था और किसी तरह वो आग फैलकर एक दुर्घटना घटी। उनमें से कई लोगों ने ये भी बताया था कि उन्होंने जहाज के पतवार में काला निशान भी देखा था। कुछ लोग एक और बात पर विश्वास करते हैं, उनके मुताबिक एक जर्मन पनडुब्बी जहाज जिसे यूबोट या सबमरीन भी कहा जा सकता है टाइटैनिक पर उस विस्फोट का कारण था। इसे एक शत्रु हमला की तरह माना गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि टाइटैनिक के डूबने के तुरंत बाद ही उन्होंने एक जगह से सर्च लाइट को आते हुए देखा था। ये कोई बचाव का जहाज नहीं था इसलिए ये एक सबमरीन जरूर हो सकता है, लेकिन इस अनुमान को कुछ कारण से माना नहीं जा सकता। टाइटैनिक की कहानी 1912 की है और उस समय दुनिया में शांति कायम थी। दुनिया का कोई भी देश बिना किसी कारण से हजारों लोगों को मारने या दूसरे देशों को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी बात, यूरोप का एक सबमरीन उस समय पर इतनी दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि ना तो उस रास्ते के बीच कोई स्टेशन थी और ना उस समय इतनी अच्छी सबमरीन भी थी कि बिना रुके इतना दूर का रास्ता पार कर ले। तो आपको क्या लगता है टाइटैनिक की घटना के पीछे आखिर क्या था, एक विस्फोट या एक हिमखंड? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ दिलचस्प वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।